चलिए तो आज हम लोग क्या करेंगे कि दो बैटरी लेंगे, दोनों बैटरी का अलग अलग ईएमएफ रहेगा और उस दोनों बैटरी को बारी बारी से पोटेंशियोमीटर से हम लोग कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। और जब पोटेंशियोमीटर से जब कनेक्ट करवाएंगे तो हम लोग दोनों बैटरी जो ईएमएफ E1 और E2 है उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ये एक रिलेशन निकालेंगे E1 और E2 में, EMF E1 और E2 में, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियोमीटर से दोनों बैटरी को बारी बारी से कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ टू बैटरीज ऑफ डिफरेंट ईएमएफ। ये कंपैरिजन करेंगे दो बैटरीज का जिसका दोनों का ईएमएफ अलग अलग है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर में लगाकर। इसका पहले एक फिगर हम बना देते हैं। देखिए क्या क्या रहा है यहाँ पे कि एक पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर क्या होगा, ये पूरा गैल्वेनोमीटर के साथ ये पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर हो गया आपका। अब इस पोटेंशियोमीटर के हेल्प से आप क्या कीजिएगा, दो बैटरी है, दोनों बैटरी को आपस में बारी बारी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो पहले एक बैटरी को जिसका ईएमएफ E1 है मान लीजिए, तो उसको हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। इस पोटेंशियोमीटर का दो टर्मिनल होता है, एक ए से जाता है और एक इधर गैल्वेनोमीटर जाता है। दोनों बैटरी के दोनों एंड से हम क्या किए हैं, उसको कनेक्ट कर दिए। अब होगा क्या, ये यहाँ इसमें करंट आना स्टार्ट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में। बैटरी जैसे ही हम लोग डाल लगाएंगे तो करंट आना स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जॉकी रहता था, जॉकी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लाइड करते हैं कहीं पर इस वायर ए बी में। जो ए बी वायर कैसे कैसे था आपको लाइन में आपको बताया हुआ था, लगभग 10 मीटर का वायर रहता है। उस वायर में हम लोग क्या करेंगे, कहीं भी इसको टच करवाएंगे इसके जॉकी को, जो स्लाइड करेगा वायर पे, ठीक है। और जो स्लाइड करेगा और कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां से करंट आना बंद हो जाए गैल्वेनोमीटर से, तो यानी कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वहां पे जीरो हो जाए। जैसे ही करंट और डिफ्लेक्शन उसका जीरो हुआ तो इसका मतलब कोई भी चार्ज यहां से यहां नहीं आ रहा है। और तभी चार्ज यहां से यहां नहीं आएगा जब पोटेंशियल यहां यहां का सेम हो जाएगा। यहां यहां का पोटेंशियल सेम है ही, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां वाला, पोटेंशियल डिफरेंस यहां वाला, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि ये जो लेंथ है वो इक्विवेलेंट टू उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, जो पोटेंशियोमीटर में हम लोग किए थे। तो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ये याद रखिएगा, ये तो है ए बी जो लेंथ है उसको हम लोग क्या है कि
कि इसमें जो बैटरी लगाएंगे वो पावरफुल बैटरी लगाएंगे, ठीक है। ये वाला बैटरी क्या होना चाहिए, पावरफुल बैटरी होना चाहिए। ये बैटरी किसका बैटरी है, ये पोटेंशियोमीटर का बैटरी है, और ये इसका क्या है, रियोस्टेट है। वो क्या होता है, रियोस्टेट क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि बैटरी पावरफुल लगाएंगे। बैटरी पावरफुल लगाने से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ेगा तभी ना ये पोटेंशियल डिफरेंस को नाप पाएगा। यदि मान लेगा यहाँ से ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो जाए तो ये वाला तार से बाहर तो थोड़ी जा सकता है जॉकी। आपको जब कंपैरिजन करना है तो इस पोटेंशियोमीटर का ताकत इस बैटरी के ताकत से बड़ा होना चाहिए ना, इसीलिए हम यहाँ पे हाई पावर का बैटरी से पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियोमीटर का अपना करंट सप्लाई होता है और इससे क्या होगा कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा और इसी बीच में कहीं भी पॉइंट पर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे हम लोग बारी बारी से, पॉइंट बाई पॉइंट लिखते चलते हैं। We will compare EMF of two batteries by connecting with the potentiometer by connecting with the potentiometer one by one क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियोमीटर से उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए here the power supply of the potentiometer should be larger so that the length AB have enough potential difference, enough potential difference between its ends A and B, A और B के बीच में ज़्यादा potential difference बने, इसीलिए ज़्यादा powerful हम लोग supply हम लोग इसमें देंगे, ठीक है। पावर सप्लाई इसको नहीं, इसको हम लोग बैटरी लिख देते हैं। हेयर द पावर ऑफ बैटरी ऑफ द पोटेंशियोमीटर शुड बी लार्जर सो दैट द लेंथ ए बी हैव एनफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड एंड बी। इफ द एंड्स A and B will have enough potential difference it can measure the
इट कैन मेजर द EMF of the batteries. चलिए यहां तक हो गया, ये बात समझ में आ रहा है कि क्यों हम ऐसा इसको पावरफुल बैटरी का सप्लाई हम लोग दे रहे हैं पोटेंशियोमीटर को. ठीक है, अब हेयर लेंथ ऑफ द वायर ए बी इज एल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वी नॉट बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, ए और बी के बीच में क्या है, वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है. नाउ सपोज बैटरी हैज बैटरी कनेक्टेड बैटरी फर्स्ट कनेक्टेड नाउ सपोज द बैटरी फर्स्ट नाउ सपोज फर्स्ट बैटरी कनेक्टेड connected when connected with potentiometer and इसको P point दे दीजिएगा and length and at length AP there is no current flowing in the galvanometer. ठीक है, और करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है गैल्वेनोमीटर में. ठीक है, then then EMF of the battery will be AP is equal to L लिख लीजिएगा. EMF of the battery will be proportional to L and V naught by L is directly proportional to नहीं ऐसे लिखिए E by L is equal to V naught by L. ये वाला रिलेशन हम लोग कैसे आया है, हम लोग कर चुके हैं. यदि नहीं तो हम फिर से इसको कर दे रहे हैं. देख लिया यहाँ पे E क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल. तो E बाई L, सॉरी E बाई L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K. ऑल्सो V naught is directly proportional to L. V naught is equal to KL. V naught by L is equal to K. इसीलिए
E by L is equal to V naught by L, ठीक है, E by L is equal to V naught by L हो जाएगा। चलिए अच्छा, इसको EMF जो है इसका कहाँ किया, EMF of the battery will be proportional to EMF of the battery E1, EMF of the battery first will be proportional to L1, ऐसा करके लिख लीजिए, AP is equal to L1, ठीक है। देखिए, then EMF E1 of the battery 1 will be proportional to length L1, तो E1 by L1, E1 by KL1, E1 by L1, ठीक है, तो E1 by L1 आ गया यहाँ तक, यहाँ तक इसको कीजिए। उसके बाद हम लोग फिर लिखेंगे आप देखिए अगला में, also if battery battery 2 of EMF E2 and corresponding length is L2, then E2 by L2 is equal to V0 by L. Therefore, E1 by L1 is equal to E2 by L2. ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया कि नहीं, E1 by E2 is equal to L1 by L2। इसमें हम लोग लिखेंगे this is the required relationship between battery between batteries of EMF E1 and EMF E2, ठीक है, उसको उतारिए यहाँ तक। दो बैटरी को हम लोग क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, दोनों बैटरी को कनेक्ट करने के बाद बारी बारी से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ निकाल दिए, पहले में L1 लेंथ पे रेस्ट कर रहा था, दूसरे में L2 पे, तो हमारे पास रिलेशन आ गया E1 by L1 is equal to E2 by L2 या E1 by E2 is equal to L1 by L2। इसको उतारिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसी में एक चीज और है, एक फिगर और बनाएंगे, इसी के पास एक फिगर बनाते हैं। उसी के नीचे क्या कीजिए, इस फिगर को खाली बनाइए, ठीक है, इसके बारे में सिर्फ एक दो लाइन है खाली बताएंगे।
इस फिगर को बना लीजिए। इस फिगर के बाद हम लोग कुछ एक दो लाइन लिखाते हैं इसमें कि क्या है। देखिए हेयर इन द अबव फिगर वी हैव टू बैटरीज ऑफ डिफरेंट EMF, डिफरेंट EMF का दो बैटरी है, बट वी नीड नॉट टू रिप्लेस एनी बैटरी। हम लोग कोई बैटरी को लेकर इसमें हटाने का नहीं है। By the given switch, we can connect any one of the battery with the any one of the battery with the potentiometer. potentiometer से क्या कर सकते हैं कि इसमें से दोनों बैटरी में से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाएगा, नीचे ले जाएंगे तो नीचे वाले बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, the working principle is almost same in the given batteries. ठीक है, तो बाकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, इसको उतारिए। चलिए, तो अभी तक हम लोग देख लिए कि दो बैटरी है और दोनों को कंपैरिजन करना है, तो वो कैसे करेंगे, पोटेंशियोमीटर में लगाकर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि एक बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना है। ठीक है, और वो पोटेंशियोमीटर में उसको भी हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, और उसी के हेल्प से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा वाला आर हम लोग अभी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखा जाए इसका टॉपिक को। हम लोग टॉपिक लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू बैटरीज। ओह, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। फिगर बनाया जाए इसका पहले।
क्या करने वाले हैं इसमें हम, देखा जाए। देखिए पोटेंशियोमीटर कहाँ से कहाँ तक है, ये गैल्वेनोमीटर से यहाँ निकला और ये पूरा पोटेंशियोमीटर आपका हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर से जो तार निकला है और ए से तार निकला है, इस पूरे चीज में हम एक कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर का अपना बैटरी है, अपना उसका रियोस्टेट है वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जब ये पूरा चीज जब हम गैल्वेनोमीटर से यहां से जब कनेक्ट करते हैं, और इसमें एक चीज देख लीजिए कि ये तो बैटरी का ईएमएफ ई हो गया, एक बैटरी है उसका ईएमएफ ई है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। ये जो आर है बड़ा वाला वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से कोई उसका मतलब नहीं है, और साथ में एक की लगा हुआ है, ठीक है। की ओपन भी हो सकता है, ओपन रहेगा तो ये क्या करेगा, दोनों में कनेक्शन नहीं रहेगा, क्लोज रहेगा तो क्या करेगा, दोनों तार सट जाएगा, तो इससे ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। क्या होगा उससे, उसको भी देखेंगे। अब क्या करना है कि हमको निकालना क्या है, उद्देश्य क्या है यहाँ पे निकालने का, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा वाला आर। ये बात समझ में आ रहा है, छोटा वाला आर हमको निकालने का है। अब देखिए पहला चीज, जब ये की ओपन रहेगा, ओपन रहने का मतलब है कि ये पूरा क्लोज सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल करंट इसमें से जाएगा, ये सर्किट जब पूरा होगा ही नहीं, ये खुला हुआ है ओपन है, तो ऐसे करंट ये लौट नहीं पाएगा, तो यानी कि करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगा, ऐसे ऐसे ये चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे की क्या है इसका, ओपन है, ठीक है। अच्छा तो इसके बीच का रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस ये पोटेंशियोमीटर नापेगा, करंट जाए चाहे नहीं जाए, इसका तो पोटेंशियोमीटर का काम है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का एक एंड ए से कनेक्टेड है और एक एंड बी से कनेक्टेड है, तो ये तो ए के बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को नापेगा। जब ए से और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा और जब करंट जा ही नहीं रहा है ऐसे, तो यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए एक चीज बताते हैं कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि ये एक बैटरी है और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। अभी क्या है कि इसमें से करंट जा नहीं रहा है, करंट नहीं ना जा रहा है ए, और अभी क्या है कि करंट तो जा नहीं रहा है ऐसे, तो यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट ना निकल रहा हो, तो यहां से यहां जैसे हम क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी, इसका ई एम एफ ई है, इसका आर है, तो हम लोग क्या लिखते थे, यहां से यहां गए तो E, और करंट ऐसे करके ऐसे लौटता था ना, करंट इधर से निकल के ऐसे लौटता था ना, हाँ, तो ये क्या हुआ E, और इधर से इधर जाएंगे तो उल्टा जा रहा है करंट के डायरेक्शन में, इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, समझिएगा अच्छा सा। जैसे मान लीजिए वी ए माइनस वी बी आपको लिखना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको सीधे दीजिए पॉइंट, वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको, माइनस वी सी प्लस वी सी कट जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी जो यहाँ पे है वही आ गया इधर साइड में भी। अब देखिए वी ए माइनस वी सी लिखेंगे तो हाइयर से लोअर की तरफ गए तो इसका वैल्यू ई हो जाएगा, अच्छा वी सी माइनस वी बी जाएंगे वी सी माइनस वी बी जाएंगे या वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी जाते हैं तो आई आर होता, अब वी सी माइनस वी बी जा रहे तो करंट को उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई आर, यही ना होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, करंट जा रहा है तब का कंडीशन ही मान के चलिए, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल ई माइनस आई आर हो गया। आदि मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस ऐसा जैसे ऊपर में लगा हुआ है, इसको एकदम अलग से हम बता रहे हैं,
तो ये R हो गया, ये पूरा चीज़ को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो VA माइनस VB को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये करंट I है तो काई करंट तो ऐसे भी यहाँ से भी जा रहा है, फिर यहीं से ना लौट के जा रहा है ऐसे, क्योंकि सर्किट बना है तभी तो करंट ऐसे गोल 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 घूम के क्या आ रहा है, फिर आ रहा है। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ का ही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR तो हो भी सकता है, हो ही सकता है, और साथ में RI भी हो सकता है क्योंकि I करंट जा रहा है R रेजिस्टेंस से, तो इसको RI भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, VA माइनस VB इज इक्वल टू RI। अब देखिए VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो गया, RI हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए करंट नहीं जा रहा है, करंट नहीं जा रहा है, तो करंट नहीं जा रहा है तो यहां पे I का वैल्यू हम जीरो डाल देते हैं, I का वैल्यू जीरो डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, इफ I इज इक्वल टू जीरो देन VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस जीरो इंटू R, यानी कि E हो गया। समझ में आ रहा है बात, तो यहां पे I इज इक्वल टू जीरो नहीं डालेंगे, ठीक है, क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि हम बैटरी का जो दोनों एंड है उससे हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो यहां से यहां के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है, ये R हम इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि R यहां पे ये जब करंट जब जीरो रहेगा तो ये सर्किट ऐसे बनेगा नहीं, ये खुला हुआ रहेगा, खुला हुआ रहेगा तो R का ये एंड और ये वाला खुला हुआ एंड से तो कनेक्ट नहीं करेंगे इसको, तो RI इसमें हम नहीं लगा देंगे। यहां पे क्या था, एक ठो प्लग की लगा हुआ है, याद रखिएगा, इसको समझिएगा अच्छा से, कि यहाँ पे I इज इक्वल टू जीरो करेंगे बोलेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू जीरो हो गया, वो तब होता जब ये कनेक्टेड होता तब, और कनेक्टेड होगा तो करंट आ जाएगा, तो फिर तो यही वाला लग जाएगा जो ये वाला लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये खुल जाएगा, I इज इक्वल टू जीरो यानी खुल जाएगा, तो इस पे तो हम ले ही नहीं सकते, इस पूरा चीज पे हम लोग इस पे ले सकते हैं क्योंकि ये वाला का कोई भी तार यहाँ पे खुला हुआ तार नहीं है, सब तार कनेक्टेड है, तो यहां से एक एंड को कनेक्ट कर दिया, यहां से एक एंड को कनेक्ट कर दिए, अब VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या आ गया, E आ गया, EMF के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है, यानी कि जब ये की ओपन है, जब करंट इसमें नहीं जा रहा है, तब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू E। समझ में आ रहा है बात, अब जब क्लोज कर दिए, करंट जा रहा है, तो इसके बीच का पोटेंशियल आर आई या ई माइनस आई आर दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। हेयर क्या क्या हम लोग खोजना है वो लिखेंगे, हेयर वी हैव वी नीड to find the internal resistance R of the battery with the help of given circuit, ठीक है, R of the given battery हमको निकालने का है, ठीक है, R छोटा वाला रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस वो निकाला जाएगा अभी, तो यहां पे एक नाम देते हैं A B C D, ठीक है, हेयर ए बी सी डी सर्किट इज कनेक्टेड टू ए
पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से क्या कर दिए उसको, कनेक्टेड कर दिए, ठीक है। चलिए इन द सर्किट देयर इज ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा आर एंड ए प्लग की, और एक प्लग की के, ठीक है। ये चीज है पूरा इसमें। व्हेन की के इज ओपन, नहीं पहले ये नहीं लिखेंगे, पहले दूसरा लाइन लिख देते हैं इसमें। द टू एंड्स ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू टू एंड्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट, ठीक है। ए और बी हमको क्या कर दिए, उसे कनेक्ट कर दिए। अब द हाँ व्हेन की के इज ओपन देयर इज नो करेंट इन द सर्किट ए बी सी डी, ठीक है। So the potential difference between A and B is equal to the EMF of the battery, ठीक। तो क्या हो जाएगा, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, EMF of the battery के बराबर हो जाएगा, EMF E of the battery। The corresponding length of potential difference E is equal to L, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू L, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ, ठीक है। चलिए नाउ व्हेन
कि इस क्लोज्ड की को क्या कर देते हैं हम लोग, क्लोज्ड कर देते हैं की को क्या कर देते हैं हम लोग, क्लोज कर देते हैं। देन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। अब क्या करना है कि आप लोग को ये फिगर तो बना लिए होंगे आप लोग, उसके नीचे ये वाला फिगर बनाए होंगे, उसके बाद इसको लिखे होंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि ये वाला फिगर एक बार फिर से बना दीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे, इसको हम मिटाएंगे। अब क्या करना है कि अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग इसमें किरचॉफ्स लूप लॉ लगाते हैं, ये क्लोज हो गया सर्किट तो क्या हो जाएगा, आर आई प्लस छोटा आर आई माइनस ई इज इक्वल टू जीरो, तो आई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर इज इक्वल टू ई, तो I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ठीक है। यहां तक इसको लिखिए, तो I करंट का वैल्यू हम निकाल लिए, इसको लिखिए I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। चलिए उसके बाद नाउ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आर आई, और R और I का वैल्यू E बाय आर प्लस आर, ई आर बाय आर प्लस आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब उसके नीचे अगला लाइन, लेट द कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ इज एल डैश, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं, मिटाएंगे इसको, इसको लिखेंगे हम लोग ER by R plus R by L dash is equal to E by L, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ER by ER by R plus R L डैश इज इक्वल टू E बाई एल, ई कट गया, ठीक है, E खत्म हो गया। अब क्या बचा, R L इज इक्वल टू R L डैश प्लस R L डैश। अब ये जो हो गया, हमको क्या निकालना था, तो R L डैश इज इक्वल टू R L माइनस L डैश, R इज इक्वल टू R L by L dash minus 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं ऐसा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया, तो इसमें लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है, रिक्वायर्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी हो गया ये, ठीक है। इसको उतारिए। टॉपिक अब हम लोग आ जाएगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर।
कैपेसिटर तो हम लोग पढ़ ही चुके थे इलेक्ट्रोस्टैट में, लेकिन उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है उसका जो मैकेनिज्म समझने के लिए हम लोग को करंट का आवश्यकता था। करंट हम चूँकि पढ़ चुके हैं तो हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अब करेंगे कैपेसिटर का। कैसे चार्जिंग होता है, क्या रेट है चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का क्या रेट है कैपेसिटर का, वो सब अभी हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अब टॉपिक लिखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। पहले चार्जिंग, चलिए उसका एक फोटो बना देते हैं उधर साइड में, आप लोग नीचे में बना लीजिएगा अपना कॉपी में। चलिए, तो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमको बैटरी का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है आपका, तो हम लोग क्या किए कि पॉजिटिव प्लेट से इसको कनेक्ट कर दिए और ये नेगेटिव प्लेट इधर से कनेक्टेड है। तो ये पॉजिटिव प्लेट जो बैटरी का है वो क्या करेगा, चार्ज देना इसको स्टार्ट करेगा। ठीक है, चार्ज देना स्टार्ट करेगा तो चार्ज धीरे धीरे देते 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 क्या होगा, एक टाइम में इसका चार्ज फुल हो जाएगा, ये पूरा फुल, उसके बाद फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और फुल चार्ज जब बैटरी हो जाए, कैपेसिटर जब हो जाएगा, तो फिर चार्ज जाना इस पर क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे मान लीजिए कि अभी चार्ज दिया जा रहा है, तो अभी स्टार्टिंग में जब कनेक्ट किया गया तो कोई थोड़ा देरी टाइम टी के बाद इसमें चार्ज क्यू आ चुका होगा, छोटा वाला क्यू आ चुका होगा टाइम टी में, और उस समय इसमें करंट क्या है, आई है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, बैटरी में किसी टी टाइम पे जब जबकि अभी पूरा फुल चार्ज हुआ नहीं है कैपेसिटर, तो वो क्या कर रहा है, उस पर क्यू चार्ज आ चुका है कैपेसिटर में, और टी टाइम लग चुका है, उस समय करंट इस सर्किट में क्या है, आई।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसके चार्ज होने का रेट यहीं से निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसमें लिखते हैं हम लोग, ये ग्राफ क्या है हम समझाएंगे, बस इसको अभी उतारिए, उसके बगल में उतार सकते हैं कॉपी में। अब देखिए व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF E, then it takes some time to get charged, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा इसको चार्ज होने में। Here the capacitor is connected to a battery of EMF E and resistance बड़ा R, ठीक है, ये हो गया। सपोज आफ्टर, सपोज एट टाइम टी चार्ज deposited on capacitor plate, charge deposited on capacitor plate is Q and the current in the current in the circuit is I, ठीक है, इसको यहां तक लिखिएगा, कुछ पॉइंट और होगा तो लिखा देते हैं। चलिए अब हम लोग लिखेंगे suppose at time dt, dt time में charge deposited is dq, then dq is equal to I dt, ठीक है, dq जो क्या होगा I dt और I is equal to dq by dt, ये हो गया, समझ में आ रहा है यहां तक। अब आगे लिखते हैं I is equal to dq by dt हो गया। चलिए अब हम लोग लिखते हैं अप्लाइंग, और कोई पॉइंट, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, करंट उसमें जा रहा है।
अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ द, एक सेकेंड, इसको पहले लूप लॉ नहीं, सबसे पहले द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर इज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर इज Q बाय C। मान लीजिए इस पर Q चार्ज आ चुका है और C इसका कैपेसिटर है, तो Q बाय C क्या हो जाएगा उसका पोटेंशियल, में Q इज इक्वल टू सी भी हम लोग जानते हैं, तो Q बाय C क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए इसको यहां तक लिखिए, उसके बाद हम मिटाएंगे इसको। अब लिखिए इसको अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे देन क्यू बाय सी प्लस आर आई माइनस ई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा आर आई इज इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको करते हैं आर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी, ठीक है। इसको ऐसे करिए, ये हो गया ई सी माइनस क्यू बाई सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो आर सी डी क्यू इज इक्वल टू ई सी माइनस क्यू इंटू डी टी। अब ये हो जाएगा डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू डी टी बाई इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है, इसको लिखा जाए यहाँ पे डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ना, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद डी ऑफ ई सी माइनस क्यू बाई ई सी माइनस क्यू, इसको डी क्यू बाई डी ई सी माइनस क्यू ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा स्टार्टिंग में जो चार्ज था इस पे जीरो था, स्टार्टिंग में तो चार्ज उस पे जीरो था ना, और थोड़ा देरी बाद उसका चार्ज कहाँ तक चल जाता है, इंटीग्रेट पूरा कर देंगे तो उसका चार्ज कहाँ तक चल जाता है, Q तक चल जाता है, ठीक है, नहीं जाएगा ना। स्टार्टिंग में चार्ज उसका जीरो था और बाद में T टाइम में उसका चार्ज क्या चल जाता है, Q पे चल जाता है। इसमें जो टाइम लगेगा डी टी बाई आर सी वो जीरो से T, स्टार्टिंग में टाइम जीरो करते करते टाइम T तक हो गया। अब देखिए इसको, ये जो हो गया डी क्यू बाई डी ई सी माइनस क्यू करेंगे तो डी ई सी बाई डी क्यू जीरो और डी क्यू माइनस डी क्यू बाई डी क्यू माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये जो हो जाएगा वन बाई ई सी माइनस क्यू डी सी माइनस क्यू एल एन ई सी माइनस क्यू ऐसा होगा। इसका जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो जीरो से क्यू, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन बाई आर सी टी बाई आर सी, जीरो से टी तो वही चीज आ जाएगा टी बाई आर सी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको करते हैं एल एन ई सी माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस एल एन, जीरो डालेंगे क्यू के जगह पे क्यू डालते तो ये वाला ऐसा आ गया। अब
क्यू की जगह पे क्या डालेंगे, जीरो डालेंगे, तो क्या बचाएगा ई सी। समझ में आ रहा है बात? और ये क्या हो जाएगा टी बाई आर सी अभी भी रहेगा। ये जो हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो एल एन ई सी माइनस क्यू माइनस एल एन ई सी इक्वल टू टी बाई आर सी। तो एल एन ई सी माइनस क्यू बाई ई सी इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी, यही ना हो जाएगा। उसके बाद e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, एल एन है तो लॉग ऑफ e है, लॉग टू द बेस e होता है, उसी को एल एन लिखते हैं। और ये क्या हो जाएगा, इसको इधर देखिए, यहाँ एल एन हटाया तो क्या हो गया ई सी माइनस क्यू बाई ई सी इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। समझ में आ रहा है बात? तो इसको हम लोग लिखेंगे ई सी माइनस क्यू इज इक्वल टू, ऐसे इसको लिखिए ई सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, क्यू इज इक्वल टू ई सी वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये क्या आया रिलेशन आया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को लिखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद इस रिलेशन को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अभी मिटाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेरे पास रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल टू ई सी वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। समझ में आ रहा है बात? ये हो गया आपका रिलेशन ई सी वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। अब इसमें देखने का है, यहां पे लिखिए हेयर आर सी इज कंसीडर्ड एज वन टाइम कॉन्स्टेंट, इसको वन टाइम कॉन्स्टेंट हम इसको कहते हैं, ठीक है। आर सी इज कंसीडर्ड एज वन टाइम कॉन्स्टेंट, तो T का वैल्यू RC हो गया, तो यानी कि वन टाइम कांस्टेंट, T का वैल्यू टू RC तो टू टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखे T इज इक्वल टू RC इज कंसीडर्ड वन टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट हो गया। एट वन टाइम कांस्टेंट T इज इक्वल टू RC Q बराबर ई सी वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर सी बाई माइनस आर सी। तो ये कट गया, e टू द पावर माइनस वन आ गया, तो ई सी वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन आ गया, ई सी वन माइनस वन बाई ई क्यू, और ये हो जाएगा इसका वैल्यू 0.63 ई सी, ठीक है। इसको यहां तक लिखिएगा, इसके बाद हम लोग कुछ अभी लिखेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं हेयर वी हैव सीन दैट एट वन टाइम कॉन्स्टेंट, टी नॉट इसको लिख दीजिएगा, टाइम कॉन्स्टेंट टी नॉट इज इक्वल टू आर सी द कैपेसिटर इज, नहीं इसमें नहीं, ये लाइन लिखना है अभी हम लोग को, एक लाइन पहले से और पहले लिख देना, ठीक है, रुक जाइए। इसमें देखिए एक चीज और,
कि जैसे देखिए ये जो है आपका कि ये जो Q का चार्ज मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला पूरा चीज मैक्सिमम होगा। हाँ, और ये चीज मैक्सिमम कब होगा, जब ये चीज क्या होगा एकदम मिनिमम हो जाएगा। और ये मिनिमम कब होगा एकदम, कि ये पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो T का वैल्यू मान लीजिए हम इन्फाइनाइट ले लेते हैं, लिखते हैं हम लोग वे चार्जिंग इज कंप्लीट व्हेन टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन क्या होगा देखा जाए, क्यू इज इक्वल टू ई सी वन माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी बाई आर सी। तो ये क्या हो जाएगा, ई सी वन माइनस वन बाई ई इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, ई सी वन माइनस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा ई सी। तो एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे, यानी कि टाइम बहुत लंबा लगने पर हमारा क्या होता है, चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम आएगा ई सी। ठीक है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं आ सकता है, ईएमएफ जो उसका ई है और कैपेसिटेंस का सी, दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे उतना चार्ज उस बैटरी पर आ सकता है कूलम में। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू ई सी आ गया, अब इनफाइनाइट टाइम के लिए तो कोई छोड़ नहीं सकता है। अब देखते हैं इसमें आगे, चार्जिंग उस समय क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट और मैक्सिमम हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला लाइन लिखेंगे, बट एट वन टाइम कॉन्स्टेंट टी नॉट इज इक्वल टू आर सी, टी नॉट इज इक्वल टू आर सी पर क्यू इज इक्वल टू 0.63 ई सी, मीन द चार्ज इज चार्जिंग इज या मीन द 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज इज डिपॉजिटेड ऑन फर्स्ट टाइम कॉन्स्टेंट। इससे तो ये पता चल रहा है ना कि एक टाइम कॉन्स्टेंट पे, फर्स्ट टाइम कॉन्स्टेंट पे तो आपका 63% चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है, टू टाइम कॉन्स्टेंट पे तो इसलिए देखिए टी नॉट यानी कि फर्स्ट टाइम कॉन्स्टेंट पे 63% ऑफ ई सी कंप्लीट हो जा रहा है आपका, टू टाइम कॉन्स्टेंट में थोड़ा और बढ़ जा रहा है, थ्री में और बढ़ते जा रहा है, बाकी बढ़ने के बाद थोड़ा मोड़ा चार्ज बढ़ता है, मैक्सिमम से थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन एकदम मैक्सिमम पे दो या तीन के बाद लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है चार्जिंग। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए इस ग्राफ को बनाए थे, इसको लिखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा दिस इज सोन इन द गिवन ग्राफ ऑफ चार्ज एंड टाइम। ये चार्ज वाला हो गया और ये टाइम वाला हो गया। ठीक है, चलिए इसको उतारिए।